आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी के कुछ अचूक उपाय, कुछ अचूक टोटके जो आपकी जिंदगी में कमाल कर सकती है। देखिए, भाद्रपत्र शुक्ल चतुर्दशी पर अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस दिन अनंत रूप में श्री हरि विष्णु का पूजन करके जो पुरुष लोग हैं वो अपने दाहिनी कलाई दाहिनी बाह पर, और जो महिलाएं हैं वो अपने बाईं जो बाह हैं उन पर अनंत धागा बांधते हैं, अनंत सूत्र बांधते हैं। इस साल 2019 में अनंत चतुर्दशी है, 12 सितंबर और दिन है गुरुवार, भगवान विष्णु का ही दिन है। तो इस दिन करना क्या है, जैसे आप अनंत चतुर्दशी हर कोई नहीं मनाता है, पर जहाँ पे लोग मनाते हैं आप वहाँ भी जा सकते हैं और ख़ुद भी ये फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। और यदि कोई आपके पहचान में यदि अनंत चतुर्दशी नहीं मना रहे हैं तो आप ये जो टोटके हैं, जो उपाय हैं, आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाके या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके भी आप कर सकते हैं। करना क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सपोज़ आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो दोनों कपल, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों, भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए और लाल फल चढ़ाइए। यदि आपको लव लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप कच्चे सूत को केसर से रंग कर राधा कृष्ण मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। निश्चित तौर पर लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके परिवार में यदि खुशहाली नहीं है, हमेशा कलह कलेश रहता है, तो अनंत चतुर्दशी संध्या के समय लाल चंदन कपूर से जलाकर आप घर में धूप करें। आपका जो बिजनेस है यदि नहीं चल रहा है, बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो जो अनंत कलश है उस पर 10 रुपये का नोट चढ़ाकर आप गले में रख लीजिए। अनंत कलश जो बिठाते हैं, यदि आप अनंत चतुर्दशी करें तो सीधी बात है आप कलश चढ़ाएंगे, यदि नहीं आप कर रहे हैं तो आप जाकर भगवान विष्णु के मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 10 रुपये का जो नोट है आप वहाँ पर चढ़ाइए और फिर गले में रख दीजिए। एजुकेशन में यदि आपका बच्चा वीक है या वीक नहीं भी है, मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, तो लाल रंग का कलम लेना है, हाथ में लेना है और ओम अच्युताय नमः मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। प्रोफेशनल लाइफ में यदि आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए अनंत कलश पर चढ़ी रोली से कलाई पट्टी का करें। अनंत कलश यदि आपके यहाँ नहीं है, आप पूजा नहीं करें अनंत चतुर्दशी के दिन, तो आप मंदिर में जाइए, भगवान विष्णु के चरणों में आप रोली चढ़ाइए और वो जो टीका है वो आप कलाई पर लगाइए। यदि आपके धंधे में आपको नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो अनंत कलश पर या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को आप 12 राजमा चढ़ाकर और फिर उस राजमा को आपको जल प्रवाहित करना है। सपोज बहुत सारे विवाद हो रहे हैं घर में, ऑफिस में, तो आप अनंत कलश पर या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर गुड़ का भोग लगाइए और फिर आप गाय को खिलाइए। लक साथ नहीं दे रहा है तो गुड लक के लिए आपको भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या फिर अनंत कलश पर आपको आलता चढ़ाना है। आलता वो होता है जो औरतें जो पाँव में लगाती है ना, उसे आलता कहते हैं। यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है या समझ लीजिए कोई आप रोग, असाध्य रोग जो हैं वो दूर नहीं हो रहा है, तो अच्छी हेल्थ के लिए अनंत कलश पर आप अंजीर चढ़ाइए और सेवा कीजिए, या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उन्हें अंजीर अर्पित कीजिए और वो आपको सेवन करना है। और यदि आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो अनार सिर से वार कर, अनार जो होता है लाल कलर का, उसको आप सिर से 11 दफ़ा घुमाइए और सत्यनारायण कलश पर चढ़ाकर आप गाय को खिला दीजिए या भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाकर आप गाय को खिला दीजिए। यदि आप मुसीबतों से घिरे हुए हैं, मुसीबतों से आप पार पाना चाहते हैं, तो 14 लौंग लगा लड्डू
लड्डू जो होते उसमें 14 लौंग, मतलब 14 लड्डू लेना है। अगर लौंग वाली लड्डू मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सब में एक एक लौंग डाल दीजिए। और फिर भगवान विष्णु को या जो आप कलश वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस पर चढ़ा कर आप चौराहे पर रख दीजिए। विवादों से मुक्ति पाने के लिए आप भगवान विष्णु पर या सत्यनारायण कलश पर 14 जायफल चढ़ाइए, और फिर चढ़ाने के बाद अब उसे जल प्रवाहित कर दीजिए। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं सारे के सारे सॉल्व हो जाए। तो मैंने इतने सारे अचूक टोटे आपको बताए हैं, आप इसे कर आप अपने जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के अनुसार आप टोटका करके उपाय करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।